भारतीय फिल्म सृष्टि की एक खास बात यह है कि यहाँ उन लोगों को भुलाया गया जो सही मायने में हकदार थे। कुछ गिने चुने कलाकारों को जहन में रखकर हम उन कलाकारों को भूल चुके हैं जो किसी भी मायने से कम नहीं थे। जैसे अगर दमदार आवाज वाले कलाकारों की बात होती है तो पृथ्वीराज, मुराद, चंद्रमोहन, रहमान जैसे कलाकारों के नाम सामने आते हैं। पर विंटेज एरा में एक कलाकार वो भी था जिनकी दमदार आवाज के लाखों दर्शक फैन थे। आज हम उस एक्टर की बात करने वाले हैं जिनका नाम लेते ही सवाल खड़ा हो जाएगा कि कौन है राज मेहरा। जो जख्म बेटी दे ना, वो कभी नहीं भरते हैं। सपना सुन लिया तुमने, जो तुम्हें कहना था वो इसने कह दिया। जब बाप पागलपन करे तो उसकी औलाद उससे बढ़कर गलती कर सकती है, लेकिन बेटी इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। शाम, मैं सोचता था कि अगर सपना ने तुमसे ब्याह कर लिया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, लेकिन तुमने खाक को चंदन बना दिया। सपना बेटी, अब तुम्हारी शादी शाम से ही होगी। अपनी सोसाइटी में शाम को अपनाने में मैं जरा भी नहीं शर्माऊंगा और फर्स्ट से कहूंगा कि शाम मेरा होने वाला दामाद है। दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। राज कपूर की शारदा फिल्म में पिताजी का किरदार निभाने वाले राज मेहरा का इतिहास धुंधला सा दिखता है। काल के पीछे रहकर इस एक्टर ने बेहतरीन फिल्मों में काम किया था, पर इतिहासकार बताते हैं कि इनका अंत समय गरीबी में बीता। राज मेहरा जी का जन्म 20 मई 1913 को बनारस में हुआ था, पर उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके परिजनों के बारे में आज शायद ही कोई जानता हो। पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो एक काबिल विद्यार्थी थे। बड़े ही कम उम्र में उन्होंने पढ़ाई पूरी की और सेल्समैन की नौकरी करने लगे। सेल्समैन का काम करते हुए उनकी जुबान काफ़ी मात्रा में साफ हुई और किसी सब्जेक्ट पर उनकी टिप्पणियां खूबसूरत होती थी। अच्छी आवाज, प्रभावशाली व्यक्तिमत्व और बातचीत करने का हुनर, इन तीन गुणों के आधार पर उनका करियर रेडियो क्षेत्र में बैठ गया। बतौर उद्घोषक, कमेंटर और न्यूज एंकर के रूप में राज मेहरा ने दिल्ली रेडियो स्टेशन में अपना योगदान दिया। उस वक्त भी उनकी आयु बहुत कम थी, पर कम आयु में भी राज मेहरा ने कामयाबी के झंडे गाड़े और तेजी के साथ उनका प्रमोशन भी हो गया। असिस्टेंट प्रोग्राम डायरेक्टर के पोस्ट पर काम करते हुए उन्होंने दिल्ली रेडियो स्टेशन को नई बुलंदियों पर लाकर खड़ा किया। इस आधार पर उनका ट्रांसफर मुंबई में किया गया। 1941 में मुंबई आकर राज मेहरा को बीबीसी जैसी नामी कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा था, पर उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद मुंबई में ही उनकी शादी हुई और दोबारा दिल्ली लौट गए। अपनी पूरी जवानी रेडियो में बिताने के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। उस वक्त के नामी फिल्मकार कृष्ण चंदेर ने उन्हें अपनी फिल्म सराय के बाहर में पिताजी का किरदार ऑफर किया, जिसे राज मेहरा ने तुरंत स्वीकार किया। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म के सफलता को देखते हुए राज मेहरा मुंबई आ गए। फिल्म इतिहासकार कहते हैं कि उन्हें फिल्मों में काम करने का कोई शौक नहीं था, वैसे भी उनका करियर रेडियो में बन चुका था, पर फिल्मों को लेकर उनकी कमेंट्री को देखते हुए उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे, जिन्हें राज मेहरा अपनाते चले गए। अगर मुझे बता दो वो कहाँ है तो मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। मैं तो ये जानता ही नहीं था कि वो कमीना ऐसे बुरे धंधे में है। बड़े चोरों के चेहरों पर बड़े नकली चेहरे होते हैं जमनादास जी। उसी चेहरे ने तो मुझे भी मारा। 10 लाख रुपया फंस गया है मेरा। कहाँ? नेकी राम नेक आदमी है, यही समझकर उसके साथ रुपया लगा दिया करता था। डीआईजी साहब, पकड़े हुए माल और उसके खिलाफ बनी हुई रिपोर्ट पर जरा ध्यान दिया जाए तो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे खून पसीने की कमाई मुझे वापस मिल सकती है।
ये कैसे हो सकता है? डीआईजी साहब, 10 लाख में से 1-2 लाख कम भी मिले या इधर उधर लग जाए तो कोई हर्ज नहीं, बस आपके आंख के इशारे की जरूरत है। कौन सी आंख, दाई या बाई? इस काम के लिए आप जो भी आंख इस्तेमाल करते हो कर दीजिए। मुंबई आने के बाद राज मेहरा का रिश्ता फिल्म जगत से कुछ यूं जुड़ गया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो एक साल में 10-15 फिल्में करने लगे थे। 1947 के अगले साल में उनकी 4 फिल्में, आज की रात, दिल की आवाज, प्यार की जीत और शिकायत रिलीज हुई। राज मेहरा के किरदार भले ही छोटे छोटे होते थे, पर उस काम में भी वो बड़े खुश थे। अपने आवाज और कॉमिक टाइमिंग के कारण उन्हें रंग रंगीले किरदार मिलते थे। कुछ फिल्मों में उन्होंने विलन के किरदार निभाए तो कुछ फिल्मों में कॉमेडियन के रूप में दिखते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के कारण बड़े निर्माता उन्हें सुपरस्टार हीरो के पिताजी का किरदार देते थे। 1957 की सुपरहिट फिल्म शारदा में राज मेहरा राज कपूर के पिताजी के किरदार में दिखते हैं। फिल्म तो हिट रही, पर फिल्म फेयर की तरफ से राज मेहरा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद 1960 की जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म में उनका पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार भी चर्चा का विषय बना था। राज मेहरा को दर्शकों ने पुलिस के किरदार में देखना बहुत पसंद किया। इसी कारण से 1961 की साजन और 1964 की वो कौन थी में भी उनका पुलिस का किरदार सुपरहिट साबित हुआ। इसके अलावा चोर के घर चोर, राखी, दो अनजाने और संगम जैसी फिल्मों में भी राज मेहरा ने कमाल का किरदार निभाया है। फिल्म फेयर के अलावा भी उन्हें कई तरह के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, पर समय के कालचक्र में उनका नसीब फीका पड़ने लगा। अपने जीवन के अंत समय तक वो अभिनय क्षेत्र में टिके रहे, पर दर्शकों ने उन्हें भुलाने में कोई देरी नहीं दिखाई। अपने जीवन काल में 300 से भी अधिक फिल्मों में काम करने के बाद 1993 के साल में उनका देहांत हो गया। उनकी आखिरी फिल्म आंसू बने अंगारे 1993 में ही रिलीज हुई थी। राज मेहरा के पारिवारिक जीवन के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर कहा जाता है कि उनकी शादी 40 के दशक में हुई थी। आज राज मेहरा ये नाम इतने पीछे चला गया है कि अगर टेलीविजन पर उनकी फिल्म आती भी है तो दर्शक उन्हें पहचान भी नहीं पाते। कोई कलाकार अपने जीवन के 45 साल फिल्म जगत को देता है और इसके बदले में फिल्म जगत उस कलाकार को भूल जाता है, तो राज मेहरा जैसे महान कलाकारों का होना व्यर्थ है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।